इन दिनों सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है संजू। इस फिल्म का कड़ा इम्तिहान अब भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में शराबखोरी ड्रग्स वाले सीन को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। ऐसे में सेंसर बोर्ड अब इस पर कैची चला सकता है। 20 जून के आसपास सेंसर बोर्ड को फिल्म ये दिखाई जाएगी। कहा जा रहा है ड्रग्स, शराब और महिलाओं को लेकर फिल्म में कई सीन हैं जो सेंसर बोर्ड की स्क्रीनर में आ सकते हैं। पिछले सप्ताह फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग मौके पर विधु विनोद चोपड़ा ने कहा था कि वो उम्मीद करेंगे सेंसर बोर्ड इसे यू सर्टिफिकेट दे दे। अगर फिल्म के सीन को काटा गया तो फिल्म के सीन को हटाने में लगने वाले टाइम के कारण फिल्म की रिलीज़ आगे भी बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है। कुछ सीन को कट करने और संवादों में बीप के संशोधन के साथ ही फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिलने के आसार है। 29 जून को रिलीज़ होने जा रही राजकुमार हिरानी की फिल्म चाहेगी कि यू सर्टिफिकेट में हो, क्योंकि अगर इसे ए सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। फिल्म में रणबीर कपूर के लुक, एक्टिंग और डायलॉग काफ़ी ज़्यादा सराहे जा रहे हैं। वो हूबहू संजय दत्त में नज़र आ रहे हैं। फिल्म में परेश रावल सुनील दत्त के किरदार में नज़र आएंगे। आपको बता दें, फिल्म 29 जून को रिलीज़ होनी है। अब देखना ये होगा सेंसर बोर्ड इसमें कैची चलाती है या नहीं। दोस्तों, आपको इस बारे में कहना है कमेंट में अपनी राय दें। सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि और भी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।